ईवीएम घोटाले की बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, ईवीएम घोटाले की बात मैं कर रहा हूँ सर। किस तरह का क्या ईवीएम घोटाला सर, ऐसा क्या कभी हो सकता है कि सारी की सारी 25 की 25 सीटें जो लोकसभा की सीटें थी राजस्थान की, पूरी की पूरी 25 की 25 सीटें लोकसभा की राजस्थान की वो पूरी बीजेपी के खाते में चली गई। हरियाणा की 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई सारी। तो ये हमें 100% सर। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं नवचो लाइव आवाज़ आपकी। दर्शकों, आज जो है 25 मई, भारत बंद, ईवीएम का घोटाला। किस घोटाले की बात लेके ये शख्स यहाँ पे खड़े हैं और ये कह रहे हैं आज भारत बंद है, मगर मुझे तो कहीं भारत बंद नहीं दिख रहा। और इतने बड़े घोटाले की बात कर रहे हैं आप, ईवीएम घोटाले की बात कर रहे हैं। हाँ जी हाँ जी, ईवीएम घोटाले की बात मैं कर रहा हूँ सर। किस तरह का क्या ईवीएम घोटाला सर, ऐसा क्या कभी हो सकता है कि सारी की सारी 25 की 25 सीटें जो लोकसभा की सीटें थी राजस्थान की पूरी 25 की 25 सीटें लोकसभा की राजस्थान की वो पूरी बीजेपी के खाते में चली गई। हरियाणा की 10 की 10 सीटें बीजेपी के खाते में चली गई सारी। तो ये हमें 100%, जबकि मगर पंजाब में तो ऐसा नहीं हुआ। आप आइए ना, वहाँ तो कोई घोटाला आप नहीं कह सकते, बंगाल में कोई घोटाला नहीं हुआ, मगर फिर आप बार बार घोटाला, ईवीएम घोटाला क्यों कह रहे हैं? हाँ, वो हम कह रहे हैं कि अब जो दूसरी पार्टियाँ थी ना, सेकंड नंबर पे जो आम आदमी पार्टी को लेकर के आने की बात कर रहे हैं, ये बीजेपी सेकंड नंबर पे उसको रखना चाहती है। ये हो रहा है सब घोटाले से ही हो रहा है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी पहले एक बार आदेश दिया था इसमें कुछ वीवीपैट लगाने की और वीवीपैट का मिलान करने की, तो सरकार ऐसा पूरी 100% मिलान भी क्यों नहीं कर रही है? कोई ना कोई सरकार के भी मनसा ऐसी है, उसके खोट है मन में, तब वो पूरा 100% मिलान नहीं कर रही है। तो सरकार तो कह रही है आप चेक करा लीजिए, लेकिन 100% चेक कराने की क्यों बात नहीं कर रही सरकार? तो ईवीएम घोटाला है, और जिस बैनर के तले हम जो ये आंदोलन कर रहे हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा में काफ़ी आवाज़ें उठाई हुई हैं, हम उसी का समर्थन करके आज ये भारत बंद के लिए यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए, एक बार ये आपकी 10 मुख्य मांगे हैं। हाँ जी, और भारत बंद का आपने ऐलान कर दिया, ऐलान किया आज 25 मई है और भारत बंद का आप कह रहे हैं, एक बार हमारे दर्शकों को 10 मुख्य मांगे बता दी। 10 मुख्य मांगे देखो ये लिखी हुई है, नंबर एक पे तो ईवीएम घोटाला है, और ओबीसी की जनगणना, जाति आधारित जनगणना, ये जो बहुत समय पहले आज़ादी से पहले जनगणना हुई थी और उसके बाद ओबीसी की जनगणना नहीं हुई है, इसका मतलब क्या है कि ओबीसी की जनसंख्या जो है वो बहुत भारी है, भारी जनसंख्या है, और भारी संख्या का मतलब ये होता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, जबकि ओबीसी की जो हिस्सेदारी है सरकार में नाम मात्र की 3-4% की है, और जबकि ओबीसी की संख्या 52% से भी ऊपर की है, तो उसकी हिस्सेदारी भी उतनी ही होनी चाहिए सरकार में, जिसकी संख्या है उतनी ही हिस्सेदारी भी होनी चाहिए। नंबर ये है। अच्छा जी, निजी क्षेत्रों में SC ST और OBC को आरक्षण लागू किया जाए, ये भी एक मुद्दा है। दूसरा, MSP की गारंटी, जो कानून बनाया किसानों ने, किसानों को चाहिए जो MSP गारंटी नहीं दे रही सरकार, उसकी गारंटी देनी चाहिए सरकार को। अच्छा जी, NRC है और CAA है, इसके विरोध में हम ये कर रहे हैं। 10 मुद्दे हमारे, पुरानी पेंशन जो हुआ करती इनकी कर्मचारियों की, पेंशन को बंद कर दिया सरकार ने, वो पेंशन लागू करवानी चाहिए, क्योंकि एक कर्मचारी सारी उम्र तक अपना काम सरकार को देता है और उसके बाद वो घर बैठ जाता है तो उसके पास क्या बचता है? तो पेंशन के अगर उसकी होगी तो वो अपना जीवन यापन अच्छा कर सकेगा, इसलिए पुरानी पेंशन भी बहाल होनी चाहिए। मध्य प्रदेश उड़ीसा में पंचायत चुनाव में OBC को स्पेशल आरक्षण दिया जाना चाहिए, सेपरेट इलेक्ट्रोड जो बाबा साहब ने पहले भी मांग की थी, लेकिन बट वो नहीं कर रहे, तब भी मध्य प्रदेश और उड़ीसा में एक सेपरेट इलेक्शन होना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण के नाम पर आदिवासियों का जो विस्थापन है, आदिवासियों को परेशान किया जा रहा है, उसके भी विरोध में हम ये भारत बंद कर रहे हैं आज। हाँ जी, कुछ और भी बताना चाहेंगे आज? और जो लॉकडाउन का जो समय था, लॉकडाउन के समय में सरकार ने चुपके से और जो वो मजदूरों के खिलाफ, मजदूरों को शोषण करने वाले ऐसे कानून बनाए, श्रम कानून बनाए, उनके विरोध में हम ये कर रहे हैं जी आज। तो कौन सा आपका संगठन है, हम बताएंगे? हमारा जी बामसेव एक संगठन है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा उसका एक उसकी विंग है।
उसकी तो बामसेफ से है। हाँ जी हाँ जी, बामसेफ से हम बहुजन मुक्ति पार्टी को समर्थन करते हैं और बहुजन मुक्ति पार्टी ही एक ऐसा काम कर सकती है पूरे देश में जो आज तक कोई पार्टी नहीं कर सकी। बहुजन मुक्ति पार्टी एक ऐसी पार्टी है, जितने मुद्दे बहुजन मुक्ति पार्टी के होते हैं वो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर, जो एग्रीमेंट होता है पब्लिक के बीच में और कैंडिडेट के बीच में, वो 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर लिख करके पार्टी दे रही है। आपका नाम और पता? मेरा नाम कमल इंदौरा है जी, मैं जिला अध्यक्ष हूँ बहुजन मुक्ति पार्टी का, यहाँ जिला अध्यक्ष हूँ मैं जी। बहुत बहुत हाँ जी।